हे फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आई हूँ अपने हेयर के लिए। वो है स्ट्रीमियो ब्रांड का 5-in-1 प्रोडक्ट। हेयर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम है, इचिंग की प्रॉब्लम है, आपके हेयर जल्दी से ग्रे हो जाते हैं, आपके बाल झड़ते हैं, आपके बालों में इचिंग की प्रॉब्लम, आपके बाल सिल्की नहीं है, जितनी भी हेयर की प्रॉब्लम है, ये वाले प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, इसमें हमारे हेयर की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इसको बिना डरे अपने हेयर पे यूज कर सकते हैं। मैंने पिछली बार भी 2-3 बार आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है और मैं हमेशा ही ये प्रोडक्ट अपने हेयर पे इस्तेमाल करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और मैं हमेशा ही यूज करती हूँ। तो आप भी बिना डरे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये नेचुरल है, हर्बल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो हमारे बालों पे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर साइड इफेक्ट नहीं होगा तो हम आराम से अपने बालों पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। ये है हिबिस्कस, ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और इतना फाइन पाउडर है कि आप ना घर के प्रोडक्ट आप पीसते हैं तो इतने फाइन पाउडर नहीं बनते। और जो ये मार्केट में जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ये मिलते हैं तो बहुत ही फाइन पाउडर है। इसको आप हम आराम से अपने बालों पे लगा सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बाद हमारा सेकंड प्रोडक्ट है शिकाकाई। आपको पता है शिकाकाई हमारे बालों के लिए कितना बेनिफिट करता है। उसके बाद हमारा पास है भृंगराज, उसके बाद है रीठा, उसके बाद है आंवला। तो आप सबको पता है कि आंवला हमारे लिए स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट को मैं मिक्स करके अपने बालों पे लगाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे लगाते हैं। पाउडर, इसका हम 1 चम्मच डालेंगे। तो यहाँ पर जितने आपके बाल हैं उस हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर है आंवला, इसका भी मैं 1 चम्मच लूंगी। उसके बाद हम लेंगे शिकाकाई, इसका भी मैं 1 चम्मच ले लूंगी। उसके बाद है रीठा, इसका भी हम 1 चम्मच ले लेंगे। उसके बाद है ये भृंगराज, इसका भी हम 1 चम्मच ले लेंगे। उसके बाद इन सारे पाउडर को जो हमने लिए हैं मिक्स कर देंगे। जो भी इसका इतना फाइन पाउडर है, ये फाइन ही होना चाहिए, नहीं तो हम बालों में यूज करेंगे तो वो गुठली गुठली नजर आएगी, फिर हमारे बालों में अच्छी तरह ये अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ पाउडर है ये, और ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पानी डालकर इसका एक
बैटर बना लेंगे। ज्यादा हमें रनी नहीं करना है, अगर हम ज्यादा रनी करेंगे तो हमारे बालों में ये अप्लाई नहीं होगा, गिरता जाएगा। हम ऐसा पाउडर, ऐसा पेस्ट बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल जैसा हम मेहंदी का पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं ऐसा हम पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब हम एक ब्रश की हेल्प से अपने बालों में लगा लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारा पाउडर जो भी हमने मिक्स करा था ये सब हमने लगा लिया है। अब अच्छी तरह से रूट्स में लगा लिया है ताकि जो भी हमारे बालों में जो भी प्रॉब्लम होगी वो इससे, महीने में आपको 2 से 3 बार लगाना है और आप चाहें तो मेहंदी में भी मिलाकर लगा सकते हैं, इससे आपकी बालों में भी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। तो मैंने यहाँ पर सारा लगा लिया है। अब मैं आधे घंटे का वेट करूंगी, आधे घंटे के बाद सूख जाएगा, उसके बाद नॉर्मल मुझे पानी से वॉश करना है। अभी शैम्पू नहीं लगाना है, शैम्पू मुझे कल 24 घंटे के बाद ही लगाना है। अभी मुझे शैम्पू से बालों को वॉश नहीं करना है। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद।